राखी सावंत भी बन सकती हैं बिग बॉस सीजन 14 के विनर, आखिरकार क्यों और कैसे बताऊंगी आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं स्निग्धा, स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल पर। वेल, लॉजिकली देखा जाए तो राखी सावंत में वो तमाम क्वालिटीज है जो एक विनर में होनी चाहिए। राखी सावंत की जब से एंट्री हुई है बिग बॉस के घर में एज अ चैलेंजर, तमाम चैलेंजर्स की एंट्री हुई थी, मनु पंजाबी, अर्शी खान, विकास गुप्ता, राहुल महाजन, इन तमाम चैलेंजर्स को पछाड़ कर, यानी इन ये तमाम चैलेंजर्स तो घर से बेघर भी हो गए, लेकिन राखी सावंत अब तक डटी हुई है सिर्फ और सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट की वजह से। एंटरटेनमेंट की बात करें तो राखी सावंत का एंटरटेनमेंट वाकई लाजवाब है। राखी सावंत के एंटरटेनमेंट की वजह से ही बिग बॉस की टीआरपी ताबड़तोड़ बढ़ने लगी थी और फाइनली राखी सावंत को देखते हुए टीआरपी लेवल बहुत हाई हुई थी। राखी सावंत में एक ऐसी एंटरटेनमेंट क्वालिटी है कि वो किसी भी चीजों में से एंटरटेनमेंट निकाल सकती हैं, कुछ भी हो वो एक कंटेंट निकाल ही लेती हैं। राखी सावंत के अगर वेल टफ टाइम्स की बात करें तो अपने हस्बैंड को लेकर जितनी डिप्रेस्ड रहती हैं, लेकिन उन तमाम डिप्रेशन को छोड़ते हुए, भूलते हुए वो शो के अंदर पूरे इन्वॉल्वमेंट दिखाती हैं, एंटरटेनमेंट में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं। तो इस अकॉर्डिंगली पूरी तरीके से अगर ऑब्जर्व किया जाए तो राखी सावंत का हमने हर एक फेज देखा है। उन्होंने दोस्ती भी बहुत बखूबी से निभाई है, उन्होंने एंटरटेनमेंट भी बहुत बखूबी से निभाया है, उन्होंने प्रॉपरली अपने सिचुएशंस को भी बहुत स्ट्रांगली हैंडल किया है। उनकी मम्मा ऑलरेडी बीमार थी, फिर भी उन्होंने गेम में कंटिन्यू किया और बहुत स्ट्रांगली सिचुएशंस को हैंडल किया। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ऑब्जर्व किया जा सकता है कि राखी सावंत भी डिजर्व करती हैं विनर बनना। हालांकि राखी सावंत ने एक ईमेल यानी कि एक ऐसे लेटर लिखा था गॉड को कि एटलीस्ट मुझे सेकेंड रनर अप तो बनना ही है, कम से कम आप विनर मत बनाओ लेकिन सेकेंड रनर अप तो बनना ही चाहती हूँ। तो क्या राखी सावंत के ये विशेष पूरे होंगे? क्या राखी सावंत बन पाएंगी सेकेंड रनर अप या फिर बिग बॉस सीजन 14 के विनर? गाइज, कितने सहमत हैं आप इस खबर से कमेंट करके बताएं हमारे सेक्शन में। तमाम बॉलीवुड और टीवी दुनिया से जुड़ी हर एक खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।